ऐसे नहीं बोलना था ना। The next day. तो वेरी वेलकम गाइज, हम आ गए हैं एक नए व्लॉग के साथ जो कि आपको बहुत ज्यादा इंतजार था जिस चीज का, जो कि है हमारा कौन सा व्लॉग, लव स्टोरी व्लॉग प्लस। इसमें आपको हम इंसेंटिव्स दे रहे हैं, तो इसमें आपको एक और बहुत अच्छी चीज पता चलने वाली है और हमारे बारे में बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है, तो बने रहे हमारे साथ शाश्वती व्लॉग्स में। क्या मिलेगा, मतलब ऐसा ऐसा कुछ डेट रिवील कर रहे हैं हम कि आफ्टर मेरे आफ्टर वो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब, हम बाद में बताएंगे। मतलब हम पहुंच गए हैं उस कैफे में जहां हम पहली बार मिले थे, जहां श्रुति मुझे टकराई थी और हमने प्यार का वो सागर बह गया। ये तो शर्ट भी वही पहन के आया जी, फर्स्ट टाइम। और ये शर्ट ना इसकी मम्मी को बहुत पसंद है, मैंने इसकी मम्मी के लिए पहनी है, पर फेड हो गया कोई मम्मी। सो गाइज फाइनली हम आ चुके हैं अपने कैफे में जो कि है वरांडा, जो कि हमारा नहीं है बट हम यहाँ पर मिले थे। लव स्टोरी बिगिंस फ्रॉम हियर ओनली। सो मैं आपको सिनेमैटिक्स दिखाता हूँ कुछ इस कैफे के कैसा है ये ऊपर से। ये प्रमोशन नहीं हो रही है बिल्कुल भी, अपने रिस्क पे आना, मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने ब्लॉग के लिए आया हूँ। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी लाइट्स बाहर लगी हुई है मार्केट में, मारे जैसे कोना मिलेगा तने। कुछ भी बोल दियो मारे हम लोग ने अभी पुलिस वाले ने हमको पकड़ लिया था। फिर तुषार ने बोला भाई मैं वकील हूँ, मारे जैसा कोना मिलेगा तने। हाँ क्यों पकड़ा था, ड्रिंक एंड ड्राइव पी नहीं तो कुछ भी ऐसे कैसे बोल दे, कोई कुछ नहीं मेरे को। गाइस आप सोच रहे होंगे कि कहां लव स्टोरी का व्लॉग बोल के क्या दिखा रहे हैं हमें। सो फाइनली अब हम आपको बताएंगे अपनी लव स्टोरी जो कि मेरी और श्रुति की लव स्टोरी है। जो कि हमें नहीं पता कि क्या है, पर हम बताएंगे। देखो मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको, वक्त एंड तक बने रहना और आप सारी चीज सुनना, और मतलब बहुत ना सिंपल सोबर एंड क्यूट लव स्टोरी है हमारी, क्योंकि इसका मजा ऐसे बैठकर सुनाने में ही था। हाँ तो जैसा कि आपने ये चीजें देखी कि हम कौन से कैफे गए और क्या क्या हमने करा, तो बेसिकली क्या हुआ था, मैंने अपनी एक फ्रेंड को कॉल करा जो कि मेरी स्कूल की जूनियर थी, और वो मेरी फ्रेंड थी, इसकी ऑलरेडी फ्रेंड थी वो। तो मैंने उसको कॉल करा, मैं जिनसे निकला नॉर्मली, और मैंने उसको बोला यार वो ना नॉर्मली कैफे में बैठी हुई थी, मैंने सोचा यार आप मैसेज भेज देते हो नॉर्मली, मैंने बोला मैं आ जाऊँ, मैंने हंसी मजाक में बिल्कुल लिटरली बिल्कुल मजाक में भेजा कि मैं हंसी में आ जाता हूँ। तो उसने बोला हाँ आ जा, मैंने बोला यार तेरी फ्रेंड है साथ में, उससे पूछ ले क्या वो कंफर्टेबल है मेरे साथ। तो वो कहती हाँ चल मैं 2 मिनट में पूछ कर आता हूँ, उसका 2 मिनट बाद रिप्लाई आया हाँ कंफर्टेबल है तू आ जा कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला तूने पूछा कैसे उससे, कहते तेरी फोटो दिखाई है तेरी वीडियो दिखाई है, जब जाके उसने तेरे को अप्रूव कराया कि तू आ जा। हाँ ये बात हुई थी, ठीक है ये उसने आपको बोला होगा पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब मैं अपना बताती हूँ, मुझे तो नहीं, मुझे नाम भी नहीं उसने, हाँ मुझे मुझे ऐसे बोला कि तू आ रही है तो मेरे एक फ्रेंड भी पूछ रहा है मैं आ जाऊं। तो मैंने बोला कि कौन है, मैं कहा तू अपने अकॉर्डिंग देख ले, अगर तुझे ठीक लग रहा है तो बुला ले क्योंकि मैं नहीं जानती। तो उसने मुझे बस नाम बताया था कि तुषार, मैंने कहा ठीक है देख लेंगे मेरे पे, मैं कहा मैंने उसको ये बोला था, मैं कहा चल बिल भी स्प्लिट हो जाएगा बुला ले जो भी खाएंगे। नहीं स्प्लिट बोला है मैंने की डिस्ट्रीब्यूटिंग बताऊंगा, इसका एंड भी बताऊंगा कि बिल किसने भरा, ऐसे ही आया था। सो फिर हम क्या हुआ, मैं आया ऊपर, वो मेरे को मिली नहीं फर्स्ट फ्लोर पे, मतलब उसके कैफे के 2 फ्लोर थे, एक रूफ था एक नीचे था, तो नीचे ही मेरे को मिली नहीं। तो मैंने उनको कॉल करा तो उसने बताया कि हम ऊपर वाले फ्लोर पे हैं। तो मैं ऊपर वाले फ्लोर पे गया और ये पता है अपनी ना रील्स बना रही थी, इसने पहन रखा था कैफे के अंदर दोपहर में सूट इतना हैवी, ठीक है डेट थी हमारे मिलने की, डेट थी 16th March और होली से एक दिन पहले 17th को होली थी। तो मैं कुछ अपना शायद कोलैब में मेरे को कुछ आया हुआ था तो मैं उसका शूट करा रही थी और ये सडनली पीछे आ गया। और मैं पता है शूट किस हालत में थी, मैं अपनी फ्रेंड की फोटो खींची थी ऐसे बिल्कुल नीचे बैठ के, मैं बुरी हालत में और ये पीछे से आ गया, ठीक है मैं पीछे से आ गया और ये देखते शर्मा गई एकदम से खड़ी हुई। ठीक है तो ऐसा हुआ, फिर मैंने इसको बोला कि भाई चल नीचे, उसको बोला जो इसकी फ्रेंड थी, मैंने उसको बोला कि चल नीचे चलते हैं नीचे बैठते हैं, ऊपर बहुत धूप है क्योंकि दोपहर हो रही थी। तो फिर हम नीचे गए, फिर मैंने बोला मैंने क्या ऑर्डर करना है बताओ,
इससे पूछा, इसने कुछ बोला नहीं, उसने कुछ बोला नहीं, चल फिर मैंने बुलाया वेटर को और मैंने बोला चल स्प्रिंग रोल ले आओ, तो चीज स्प्रिंग रोल आए, तो फाइनली इसको मेरी पहली पसंद तो पसंद आ गई कि हाँ मैंने स्प्रिंग रोल मंगाया और उसको लिटरली टेस्टी लगा। हाँ, क्योंकि मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट हूं ना, मैं ज्यादा बोलती थी ऐसे पहले, भाई इतनी बोली इतनी मिश्री कि मतलब कुछ बोले ही ना, ऐसे बैठी जैसे नई नवेली दुल्हन जो होती है, और मैं दोनों की कन्वर्सेशन देख रही थी कि ये तो स्कूल के दोस्त है, उसमें क्या बात। फिर मैंने फेंका वो, क्या कहते हैं, ब्रह्मास्त्र, ठीक है, फिर कैसे फेंका मैंने, मैंने बोला यार अपना हाथ दिखा यार मैं आवाजी में हैंड रीडिंग कर सकता हूँ, मेरा दिखा, हाथ दिखा, मैंने हाँ पिछले कुछ सालों में बहुत परेशान थी, ऐसा लड़का ढूंढ रही थी और लिटरली मैंने ऐसे ऐसे बातें करके, मेरे को बीच में एक नहीं लगा मैंने क्या बोली अपनी दोस्त को, बट भाई मैंने जो बोलना था मैंने बोल दिया। फिर हमने एक एक ड्रिंक मंगवाई, अपना शेक वेक मंगवाए और पिए, मजे किए, उसके बाद नीचे गए हम, नीचे गए तो हम बैठे थे, मैं ये कह रही थी मैं जाती हूँ, मैं कैब करके चली जाती हूँ, और वो भी कह रही थी, मैंने नहीं नहीं मैं गाड़ी लाया हूँ, मैं छोड़ के आऊंगा। फिर मैंने इसको पहले वो बैठ रही थी आगे, फिर इसने बोला नाइस कार में आके बैठ जाऊं ये झूठ बोल रहा है यार, मैं आप चीटिंग करोगे तो कोई बुलाओ नहीं, ठीक है। नहीं यार, तो देखो मैं बताती हूँ, चुप करो। पहले हम जब नीचे उतरे ना वहां से, तो हमारा फिर धीरे धीरे पार्टी का प्लान बन गया, क्योंकि एक फ्रेंड और आ गई थी हमारी, तो हम चार लोग हो गए थे, और फिर हमने क्योंकि नेक्स्ट डे होली थी तो हम सोचा चल पार्टी करके आते थे। फिर जब हम नीचे उतरे तो ऑब्वियसली रेड कलर लड़कियों को पसंद होता है, इसकी रेड कलर की कार खड़ी थी, मैंने एक कॉम्प्लीमेंट दिया जनरली यार कि नाइस कार, अब मुझे नहीं पता कि इसने क्या समझा क्या नहीं। उसके बाद ये झूठ बोल रहा है कि मैंने आगे बैठने के लिए बोला, मैं नॉर्मली शांति से अच्छी अच्छी तरह पीछे बैठ गई और आगे बैठी थी। नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, वो फिर हम अब इनको करना था अपना आउटफिट चेंज, दूसरी पार्टी में हमें जाना था, और तीन ये हो गई, तीन लड़की और मैं अकेला लड़का। अब मैं कहाँ का बेशरम, मैं तो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था भाई, एक तो इनको घुमा रहा हूँ फिरा रहा हूँ, उसके बाद मैं बेशरम, हद हो गई भाई। फिर हम गए भाई, हम गए बारबेक्यू, बारबेक्यू क्यों गए, भूख नहीं लग रही थी, कपड़े चेंज कर रहे थे उनके वॉशरूम में जाके, वो भी आइडिया मैंने ही दिया था, क्या मेरा ना और कहाँ जाएंगे, मॉल वॉल सब बंद हो गए थे उस टाइम तक, तो मैंने ना तो वहां पर जाके कपड़े तुम चेंज कर लो, और मैं ये चेंज करने चली गई, मैं बाहर बैठा हूँ, इसकी एक फ्रेंड आ गई बाहर चेंज करने के बाद, हम नॉर्मली कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो उसको आके जानबूझ के रही, हाँ हाँ हो गई सारी कन्वर्सेशन, ऐसे करके छेड़ रही, झूठ मत बोलो श्रुति, ठीक है। फिर हम वापस आए, इन्होंने कपड़े चेंज कर लिए, मैं बहुत आधा घंटा बैठा रहा बाहर, मैं अपनी फ्रेंड को छेड़ रही थी, छेड़ रही थी, आधा घंटा हो गया मुझे बाहर बैठे हुए। अब तो, मैं बताती हूँ, ये पार्ट मैं बताऊँ, हाँ बोलो बोलो, चलो। ये आधा घंटा जो भी हुआ मुझे पता, क्योंकि यार थोड़ा ना गर्मियों का टाइम था, मार्च गर्मी होती है होली के टाइम पे, तो हमने चेंज तो कर लिया, अब गर्ल्स की सबसे बड़ी दिक्कत मेकअप, तो मैंने क्या किया कि जो आगे बैठी थी जिसके थ्रू हम मिले थे, मैंने उसे क्या पीछे, मैं कहा तो पीछे, उसको पीछे धकेल दिया और आगे बैठ के, मैंने उससे परमिशन मांगी, मैंने कहा मुझे 5 मिनट के लिए आगे बैठे तो मुझे मेकअप करना है, और अंधेरा रखा था, गाड़ी की लाइट सफिशिएंट नहीं थी, मैंने इसको पकड़ाया अपने फोन की टॉर्च ऑन करके, मैं कर लेती हूँ टॉर्च पकड़, मैं भाई पहले दिन इससे मिला हूँ और ऐसे लेके बैठा हूँ, ये मेकअप कर रही है मेरे गाड़ी के वो मिरर को देख के आगे, मैंने आज मेरी गाड़ी का सही इस्तेमाल हुआ है किसी ने ये मिरर यूज तो करा, हमारे तो कभी यूज आया नहीं, इसने बहुत अच्छे से, मतलब आई स्वेयर मैंने पहली बार किसी को ऐसे ऑर्डर दिया और उसने बेचारे ने मान भी लिया, और पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ, बट अच्छा हुआ जो हुआ, ठीक है। तो फिर हम पार्टी करे, हम पार्टी करने गए, तो भाई साहब ये अपनी फ्रेंड को पता क्या बोल के गई, अब ये बोल देगी ये भी झूठ बोल रहा है, अपनी फ्रेंड को बोल गई इसको इस पे ध्यान रखियो, दूसरी लड़कियां ना देखेंगे, याद कर लो, अब बोल दो बोल रही थी जी, बोली थी, तो मतलब इसका क्रश बन चुका था पूरा मेरा, चलो लड़की हम तो लौंडे हैं, हमें तो किसी में भी बन जाता है तो इसका मेरे पे क्रश बन चुका था, ये वॉशरूम गई, ये बोल के गई कि इस पर ध्यान रखियो, मैंने चल ठीक है, फर्स्ट हिंट, मैंने चलो फर्स्ट आया था गाड़ी वाला, सेकंड आया ये, मैंने चलो गाड़ी वाला कुछ नहीं था, कॉम्प्लीमेंट था मेरी तरफ से लड़कों के हिसाब से, तो वो फर्स्ट हिंट था, तो दो हिंट आ गए, फिर हम निकल रहे, तो कहती है मैं कैब करके जाऊंगी, नहीं मैंने बोला मैं छोड़ने जाऊंगा देवी आपको मैं फिर इसको घर छोड़ने गया, और फिर मैंने इससे पूछा नॉर्मली कि फिर हम कब मिलेंगे, कहते देखते हैं, क्योंकि उसके बाद होली थी, मैं अपने फैमिली के साथ चली गई थी,
फिर हमने उसी दिन नंबर एक्सचेंज करे, इंस्टाग्राम आईडी एक्सचेंज करी, स्नैपचैट एक्सचेंज करा। तो फिर नॉर्मली ना हम एक दूसरे को स्नैप भेजने लगे। फिर मैंने इससे डिमांड करनी शुरू करी कि मैंने बोला आज खाओ, हाँ डिमांड करनी शुरू करी। तो फिर उन्होंने आज खाओ, क्या पहन रखा है, भेजो पिक्चर्स। फिर ये मेरे को भेजती गई। फिर मेरे को ना इसकी स्माइल पे थोड़ा सा दिल आ गया। फिर मैं जॉब चला गया। क्या यार कहाँ चला गया, ब्याह करता था इससे मैं, ठीक है। तो फिर ऐसे ऐसे हमारी बातचीत होती रही, मिलते रहे मिलते रहे मिलते रहे। तो फिर ना हमने किसी ने एक दूसरे को प्रपोज नहीं करा। सबसे पहली बात, हम दोनों ने उस चीज को टाइम दिया। हमारा ना बहुत स्मूथली चलता रहा चलता रहा। फिर मैंने इसको धीरे धीरे ना अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराना शुरू किया, क्योंकि मैं भाई सबसे पहले अपनी मम्मी को बताता हूँ अब चीज कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। तो उनको मैंने बताया, तो उनको ना समझ आ गई थी। उन्होंने बोला देख ले, धोखा मत खाइयो, बाद में रोता रोता तो मत आइयो। हमारी इतनी चीजें सेम थी, मतलब टच वुड हमारी हर चीज सेम थी। मतलब ये भी अपनी पिछली जिंदगी से जो भी था, फ्रेंड से लेके जो भी था, दुखी था, मैं भी दुखी चल रही थी, हम दोनों तो क्यारे मिलके पहली बार। दूसरी बात, फिर जैसे ही अपनी मम्मी से हर चीज शेयर करता है, मेरी मम्मी तो भाई मेरी बेस्ट फ्रेंड है, कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है। मैं उनसे इतनी छोटी बात भी शेयर करती हूँ कि मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं बता के जाती हूँ। तो जैसे इतने शेयर किया, वैसे ही मैंने मम्मी को एक दिन धीरे धीरे पटाया। मैंने कहा मम्मी ऐसे ऐसे करके ना एक लड़का है। तो मम्मी ने सबसे पहले कास्ट पूछी, तो अब वो डिफरेंट। मैंने कहा वो छोड़ो, वो बात की बात है। मैं कहा ऐसे ऐसे एक लड़का है, ये करता है ये करता है। मम्मी कहती समझ रही हूँ, फिर दोस्त तो नहीं है, मतलब बात आगे कुछ और बताना चाह रही है। मैं कहा ठीक है चलो, कान में तो डाल दी मैंने, मेरे को सेटिस्फेक्शन हो गई थी। फिर मतलब इन्होंने दबाजी प्रूफ करा लिया मम्मी से। फिर पता क्या हुआ, फिर मेरे फ्रेंड सर्कल में मैंने बताने ही शुरू करी धीरे धीरे ऐसे ऐसे। मतलब पता चली जाता जब बंदा बिजी हो जाता है, घूमने लग जाता है, पता चल जाता, ठीक है। तो फिर सबने ऑलमोस्ट 50-50% था, 50% ने बोला। मेरे कई दोस्त थे जैसे कि ध्रुव था, मैं सबके तो नाम नहीं लूंगा, ध्रुव था, तो उसने बोला कि भाई सही जा रहा है तू, भाई तेरे कंपैटिबल बहुत अच्छी लड़की है और बहुत सही जा रहा है। और कईयों ने नेगेटिव कमेंट्स भी करे कि भाई तू, मतलब नेगेटिव इन द सेंस उनके पर्सपेक्टिव से ये था कि लाइफ स्टाइल थोड़ा वेस्टर्न था इसका। तो उन्होंने बोला था भाई ये देख लियो कि लड़की का क्या हिसाब किताब है, कैसा रहना पसंद करती है, तेरे साथ आगे तक लॉन्ग लाइफ चल सकती है नहीं लगती। वो हर कोई घर वाले पूछा, तो दोस्तों ने भी कंसर्न करा, तो ठीक है उस टाइम ना। बट मेरे को ना क्या होता है कि जैसे ज्यादा लोग बोल देते हैं ना कि हाँ भाई लड़की ठीक नहीं है, तो ठीक भी मतलब इस तरीके से नहीं बोला था। उन्होंने बोला था कि देख लियो कि सिर्फ ठीक तेरे... नहीं बोला था कुछ दोस्तों ने, मुझे नहीं पता जलन में किस चीज में, सिर्फ बंदे को लुक वाइज देखी, क्योंकि मैं ऑब्वियसली शूट करती यार बेसिकली पता क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे जो भी दिखता है वो रियल ऑब्वियसली नहीं होता। बहुत कम लोग होते हैं जो रियल कंटेंट डालते हैं, सब कुछ ऑलमोस्ट फेक ही होता है। उनको आप जज नहीं करना कभी भी कि भाई आज कोई BMW चला रहा है, ऑडी चला रहा है, तो उसके वो होगी, जरूरी नहीं है। तो वही चीज थी कि जैसे ये वेस्टर्न लाइफस्टाइल था, इसका मतलब आप समझते हो यार, कॉलेज वॉलेज वाले बंदे निकलते हैं तो वो अच्छे कैफेज वगैरह जाते हैं, शूट्स वगैरह जाते हैं, और हम दोनों ही मॉडलिंग लाइन, तो मॉडलिंग लाइन की वजह से हमारा ये था कि भाई होता थोड़ा बैकग्राउंड होता है कि हाँ भाई देख लियो कि ये सब चीजें खराब ना हो आगे जाके, तुम्हारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो मैंने भाई, मैंने अपने भगवान भाई, अपने गुरुजी को मानता हूँ, तो मैंने उन पर छोड़ दिया, साफ सीधी बात है, मैंने टोटली सरेंडर कर दिया। मैंने बोला अगर कुछ भी खराब होगा आप ठीक करेंगे। तो उन्होंने भाई बड़ा स्मूथली हमें वे दिखाया और हम बहुत स्मूथली चलते गए चलते गए चलते गए। फिर एक टाइम ऐसा आ गया कि आपने कि भाई अब घर पे सबको बताना है, अब जैसे मम्मी मम्मी को बताया, अब बाकी फैमिली मेम्बर्स को बताना है जो घर में है, जैसे पापा हैं भाई है वगैरह, सबको बताना है धीरे धीरे। फिर इसने धीरे धीरे उनको बताना, इसका था कि भाई को पता लगेगा ना, मेरी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है ऑब्वियसली राजपूत, तो इसके पापा ये कहती मुझे कि भाई भाई को पता लगेगा ना तो बहुत डांटेगा, बहुत गुस्सा करेगा। मैंने बोला तू भाई अपने भगवान पे बिलीव रख और अपने ऊपर बिलीव रख, मुझ पर बिलीव रख, अगर हम अगर मेरे में कोई कमी होगी ना वो बताएंगे, तो ऑब्वियसली मैं उसको मेक ओवर करूंगा, उसको ठीक करूंगा। बट ऐसी कोई चीज थी नहीं हम दोनों में कि हम दोनों का कोई नेगेटिव पॉइंट जा रहा था, या हमारी फैमिली में कुछ ऐसा ऊंचा नीचा था, कुछ भी नहीं था बेसिकली। और वैसे भी प्यार में कोई चीजें मैटर नहीं करती ऊंचा नीचा। तो हम दोनों ने धीरे धीरे अपने घर वालों को बताना शुरू करा, धीरे धीरे अप्रूवल आता रहा। फिर आखिरी में क्या था, अब हमारा टाइम आ गया था कि हाँ भैया अब हमने रोका कर लेना चाहिए, और हम बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर रहते हैं कि अच्छा नहीं लगता कि भाई हम दोनों बाहर घूमते हैं फिरते हैं, तो वो भी थोड़ा नेगेटिव चला जाता है कि लोग सोचेंगे कि भाई ये क्या लिविंग में कर रहे हैं, ये कर रहे हो लिविंग में, तो ऑब्वियसली हमें ये तो हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वेस्टर्न कल्चर है, हमें कभी जिंदगी में फॉलो करना भी नहीं चाहिए। तो हमने क्या करा, तो हमने इसके इसने अपने पापा को बताया, मैंने अपने पापा दादा वगैरह जो मेरी जॉइंट फैमिली, तो मैंने उन सबको बताया, तो उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया। मतलब इसके पापा ने थोड़ा सा डांटा, मतलब कास्ट को लेके, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे घर की फर्स्ट लव मैरिज है, मुझे लेके हमारे घर में कभी नहीं हुई, क्यों आपकी मतलब इंटरकास्ट,
बट हुई है ना लव मैरिज, ऊपर से इंटरकास्ट है तो मैंने तो पहले मुझे भाई के नीचे छुप के बैठ गई, मैं कहा तू संभाल, मैंने उसको आगे कर दिया। अब उसने बोला तो सही मैं संभाल लूंगा, अब उसने पापा को सिर्फ ये बता के कि इसने ना एक इसको कोई पसंद है और बोल के पीछे हट गया, बाकी मैंने खुद संभाला सच बता रही हूँ और मम्मी ने संभाला। अब आप ये सोच सकते हो कि इतना हैंडसम लड़का कोई मना कैसे कर सकता है, कौन गवाएगा। अरे पापा लोग हैंडसम बाद में देखते हैं, पापा लोग बाकी चीजें देखते हैं, समझाइए। तो बस जैसे जैसे करके मुझे नहीं पता वो भी हो गए कन्विंस करते करते, ज्यादा नहीं किया वो अपने आप ही, मम्मी ने उनको कर लिया बाकी। तो मम्मी लोग तो कर ही लेते हैं, पापा को कन्विंस वही कर सकते हैं। मेरा ट्रस्ट गुरुजी पे है, मैं अभी तक ये मानती हूँ जो भी हमारी चीजें चल रही है ना, जितनी फ्लुएंटली चल रही है, स्मूथली, सब गुरुजी की वजह से चल रही है। तो सब उन्हीं। और पहली चीज जब मैं इसे मिली नहीं थी ना, मैं हमेशा मेरे अंदर होता है ना कि मैं हमेशा ना गुरुजी की फोटो देखती थी और मुझे बहुत ज्यादा अंदर से मुझे ना मिलना है, मुझे जाना है कौन सी गुरुजी है, कहाँ पे इनका जो भी है मंदिर है कहाँ पे है। फाइनली जब मैं इससे मिली, मुझे इससे मिलकर इतनी पॉजिटिव वाइब्स आई, मतलब लगा ही नहीं कि खराब बंदा होगा वो, कैसा होगा, बट मैंने उसको बोला नहीं था ऑफकोर्स। इसके थ्रू मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई, इसके साथ मैं शायद हम रिलेशन में तो नहीं थे तब, फ्रेंड्स ही थे, तो हम मैं इससे मिलने के विद इन अ वीक ही इसके साथ गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी, तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था। उनके घर पे सत्संग था तो मैंने ना उनको भी थोड़ा सा मतलब ये था कि भाई लड़की कैसे पहले देख लो क्या है जब आगे बढ़ना ये वो, तो मैं उन्हें ना इसको उनके साथ एक रूम में लॉक कर दिया दरबार में। मैंने ना दीदी मैंने बोला दीदी आप पूछ लो इससे जो पूछना है, उन्होंने खुल के इससे पूछा और वो बाहर जब निकली तो उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्ड दिया मेरे को, मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने बोला कि ठीक है सब कुछ अच्छा है, बाकी अब सारी कहानी तुम दोनों के ऊपर है कि तुम दोनों आगे क्या कैरी करते हो, क्योंकि देखो फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने देखा कि इन फ्यूचर तुम देख लो कि तुम कैसे एक दूसरे के साथ रह पाओगे नहीं रह पाओगे। उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्ड दिया, बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया, ऑब्वियसली वो समझाती भी हैं हमारे को, आगे भी हेल्प करेंगी, और वो भी मेरे से गुरुजी से और उन्होंने बहुत कनेक्ट किया मेरे को, तो शुक्राना मेरे मालिक का और उनका भी। तो ये था हमारा लव स्टोरी का। तो उसके बाद आपने रोका वाला ब्लॉग तो आपने देखा ही होगा, रोके में जैसे इसके घर वाले आए तो उस टाइम हमारी बात हो रही थी कि भाई कैसे कैसे करना है, फिर वो हमने करी सारी चीजें। हमारा रोका भी बहुत ऐसे हुआ है कि अनप्लान्ड प्लान नहीं था, वो सिर्फ नवरात्रि चल रहे थे और बहुत अच्छे दिन थे, तो इसलिए बस हमें खुद हम दोनों को दो दिन पहले यार मतलब हम सोच रहे थे कि हम नेक्स्ट ईयर करेंगे शादी वादी। हाँ। तो मेरे को मतलब ये कमांड मतलब मेरे को एक प्रेडिक्शन होता है ना, मतलब थोड़ा सा हो जाता है कि मेरे को ना वाइब्स आ जाती है कि नहीं यार अभी कर लेना चाहिए, ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए किसी भी चीज को, क्योंकि देखो इंटरनेट नजर तो लगाते ही है, नजर का क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इंटरकास्ट मैरिज में ना थोड़े से होता है कि भाई ज्यादातर नहीं होते, कोई कुछ और बोलता कोई कुछ और बोलता है, देखो ऑब्वियसली देखना तो वही है जो घर में है, बट फिर भी थोड़ा सा देखना पड़ता है, सोसाइटी को भी देखना पड़ता है, तो उस हिसाब से हम सबने बैठ के ये करा कि हम ना इसको जल्दी से जल्दी करते हैं, ज्यादा लेट खींचने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाद में भी उतना ही लगना है, अभी भी उतना ही सब लगना है, बस ये है कि टाइम थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता ना तो फिर हो जाती है थोड़ी चीजें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेवल भी हो जाता है, क्योंकि आफ्टर मैरिज लाइफ अलग होती है और बिफोर अलग होती है। तो रोका तो हो ही गया था, पक्का तो हो ही गया था, सबको पता ही चल गया, तो फिर हमने सोचा कि वो इसको लंबा खींचना है, तो हमने डिसाइड करा कि हम करेंगे शादी, और शादी की डेट मैं अभी रिवील नहीं करूंगा, वो करूंगा अगले ब्लॉग में। बट उससे पहले आपको ये बताता हूँ कि अभी हमारी चल रही है शादी की बहुत सारी शॉपिंग, और श्रुति देख रही है अपने लहंगा मेकअप आर्टिस्ट, और मैं देख रहा हूँ अपना शेरवानी। अच्छा ये तो बता सकते हैं कब है? नहीं अभी क्यों बताना है, ये ब्लॉग देखो आप आराम से, रोके वाला जिसने नहीं देखा पर रोके बहुत वाला ज्यादा जल्दी है गाइस, तो अब आप शॉपिंग स्टार्ट हो गई, मतलब अब आपको ना सारे बैक टू बैक पूरा मैरिज तक की जर्नी हम दिखाएंगे कि हम क्या क्या कर रहे हैं क्या क्या नहीं कर रहे, और बस आप लोगों की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है कि हम ऐसे शेयर कर पा रहे हैं आप लोगों से, और आपने रोके वाले व्लॉग को भी बहुत प्यार दिया, थैंक यू सो मच, और हमसे जुड़े रहने के लिए भी थैंक यू, और आप ही लोगों की वजह से हम साथ हैं। देखो नजर लगाने वाले सो आएंगे, बट आप लोगों की ब्लेसिंग्स जितनी आपने दी है इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे उसके लिए थैंक यू सो मच, रोना नहीं है। देखो आप लोग हो तो हम हैं, आप नहीं है तो हम कुछ नहीं है, बिकॉज हम जो इस प्लेटफॉर्म पे जो कर रहे हैं ना वो हम बहुत ज्यादा मुश्किलों से निकल के आए हैं, हमें एक डेढ़ साल हो गया, उसके बाद भी हमें ग्रो करने में बहुत टाइम लग गया, बट ठीक है बने रहेंगे जुटे रहेंगे, जब तक आप लोग साथ हो तो हमें कोई हिला नहीं सकता, और थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गाइस, बाय।
इस व्लॉग का करता हूँ एंड, इसको कराता हूँ चुप, इसको बाहर से आइसक्रीम खिलाने ले जाना पड़ेगा। चलो गाइस ओके, मिलते हैं अगले व्लॉग में।